गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक ज्ञान भारती से पाठ चार का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि संशोधन जो आपके बोर्ड परीक्षा में आता है और अक्सर पूछा जाता है और अक्सर के बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि उसमें लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी जो अशुद्धियां रहती है उनका सही रूप से आप उसको सही नहीं कर पाते हो तो वो गलत हो जाता है। तो आज हम अपनी वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे। पहले देखिए इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं कि वाक्य जो अशुद्ध वाक्य शुद्धि कहते किसे हैं। इसकी परिभाषा पेज नंबर है आपके 171, पेज नंबर ज्ञान भारती से 171 पेज नंबर पे। वाक्य शुद्धि क्या कहलाता है? वाक्य संरचना, वाक्य संरचना संबंधी, वाक्य संरचना संबंधी अशुद्धियों आवाज में नीचे क्लास में अशुद्धियों का परिमार्जन तथा संशोधन संशोधन करना ही वाक्य शुद्धि कहलाता है। वाक्य शुद्धि कहलाता है। वाक्य शुद्धि की परिभाषा है वाक्य संरचना संबंधी अशुद्धियों का परिमार्जन तथा संशोधन करना भी वाक्य शुद्धि कहलाता है। इसमें क्या होता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, उनसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि कम से कम वह तो भाषा का शुद्ध प्रयोग करे। जो कम पढ़े लिखे होते हैं और जिन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता वो भाषा का प्रयोग अपने अनुसार कर लेते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं उनसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो व्याकरण के नियमों का ध्यान रखे ताकि भाषा है वो उसको शुद्ध रूप से हम लिख सकें। तो वाक्य में अशुद्धियां के प्रकार लिखे अशुद्धियों के प्रकार कितने प्रकार की अशुद्धियां होती है? अशुद्धियों के प्रकार इसमें एक नंबर पे वचन एवं लिंग संबंधी अशुद्धियां, लिंग संबंधी अशुद्धि। दूसरा है कारक संबंधी अशुद्धियां, कारक संबंधी अशुद्धियां। तीसरा है अपना सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जो संज्ञा और
जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, फिर हम इनके वाक्य को सही करेंगे। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां और विशेषण संबंधी अशुद्धियां, विशेषण संबंधी अशुद्धियां या विशेषण संबंधी अशुद्धियां, क्रिया विशेषण संबंधी क्रिया संबंधी अशुद्धियां, क्रिया संबंधी अशुद्धियां, वाक्य शुद्धि की परिभाषा, वाक्य संरचना संबंधी अशुद्धियों का परिमार्जन तथा संशोधन करना ही वाक्य शुद्धि कहलाता है। अशुद्धियों के प्रकार, वचन एवं लिंग संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धियां, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, विशेषण संबंधी अशुद्धियां, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां, अनिति एवं पदक्रम संबंधी अशुद्धियां और क्रिया संबंधी अशुद्धियां। अब हम इनको एक एक को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये गलतियां अपने से हो जाती है। ये लिख दिया क्या ऊपर वाला लिखकर मुझे परिभाषा लिखकर पहला है अपना वचन, हमने पढ़ा था पहला वचन एवं लिंग संबंधी, लिंग संबंधी अशुद्धि कि किस प्रकार से वो हो जाती है। पहला वाक्य देखिए, राम लक्ष्मण और सीता
गो गया, सही गए या ऐसे क्यों? अरे जा में रहती ही, सही गए। क्या होगा इसका सही आंसर? राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या में रहते थे। सही बात ये होगा ना कि राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या में रहते की जगह रहते थे। पूरा राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या में रहते थे। ये वाक्य अपना सही होगा। दूसरा है, यह पुस्तक मेरा है, सही है क्या? यह पुस्तक, यह पुस्तक मेरा है, इसमें किस प्रकार की शुद्धि है? हाँ, यह पुस्तक मेरा है तो यह पुस्तक मेरी है। उत्तर होगा इसका शुद्ध होगा, यह पुस्तक, यह पुस्तक मेरी है, मेरी है। नेक्स्ट है अपना, दो लड़का आ रहा है, दो लड़का आ रहा है। शुद्ध रूप क्या होगा इसका? दो लड़के आ रहे हैं। इसमें किस प्रकार की शुद्धि है? वचन संबंधी है या लिंग संबंधी? दो लड़का आ रहे हैं तो दो लड़के, हाँ आ रहे हैं, वचन संबंधी दो है ना, एक वचन में। एक वचन बहुवचन क्या होता है? एक वचन में किसका प्रयोग होता है? एक वचन में एक ही होता है, और एक बहुवचन में। हाँ, फिर एक और देखते हैं, दोनों पुस्तक का नाम लिखो, दोनों दोनों पुस्तक, दोनों पुस्तक का नाम लिखो, दोनों पुस्तक का नाम लिखो। शुद्ध रूप क्या होगा इसका? दोनों दोनों पुस्तकों का, हाँ दोनों आ गया है तो पुस्तक आएगा क्या? दोनों पुस्तकों का नाम लिखो तो दोनों पुस्तकों के नाम लिखो, दोनों पुस्तकों, दोनों पुस्तकों के नाम लिखो, नाम देखो। इस तरह से वो जो वजन है, लिंग संबंधी जो अशुद्धियां रहती है उन्हें हम दूर करते हैं। दूसरा है, चारों लिखिए ना, दूसरा पारक संबंधी अशुद्धियां, दूसरा है अपना पारक संबंधी। पारक संबंधी क्या अशुद्धियां रहती है वो आप वाक्य को देखोगे तो समझ में आएगा। पारक संबंधी अशुद्धियां कि कारक संबंधी क्या अशुद्धियां रहती है। पहला वाक्य है अपना, मैं पत्र
को लिखता हूँ, मैं पत्र को लिखता हूँ, क्या होगा इसका सही रूप? मैं पत्र, इसमें को की जरूरत नहीं है, को की जरूरत नहीं, मैं पत्र को लिखता हूँ, तो मैं पत्र लिखता हूँ, ये कारक संबंधी अशुद्धि है। मैं पत्र लिखता हूँ, को का पता करता ने कर्म को। दूसरा है, ये बहुत इजी है, सरला को पूछो, सरला को पूछो, कारक संबंधी अशुद्धि है इसमें भी, तो इससे आएगा सरला से पूछो, सरला से। ये भी कौन सी अशुद्धि है? कारक संबंधी। तीसरा, घर पर सब ठीक ठाक होंगे, घर पर सब ठीक ठाक होंगे, इसमें क्या अशुद्धि है? कारक संबंधी इसमें भी अशुद्धि है, तो घर में, घर में सब ठीक ठाक होंगे। एक और देख लेते हैं, वह छत पर से गिर पड़ा, वह छत पर से गिर पड़ा, वह छत पर से गिर पड़ा, शुद्ध रूप क्या होगा? वह छत से गिर पड़ा, वह छत से, पर की यहाँ जरूरत नहीं है, वह छत से गिर पड़ा। लिख लिया चारों, ये सारे मैं ऐसे जैसे लिखवा रही हूँ वैसे चेक करूंगी मैं, इसलिए लिखवा रही हूँ सारा, जैसे जितने एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ वो सारे चेक करूंगी। वह कारक संबंधी अशुद्धि है, वो उसके चार एग्जाम्पल लिखवाएंगे, वचन और लिंग संबंधी लिखवाएंगे, मैं चारों लिखूंगी, रख कर दूं क्या सारा? मैंने भूले सामने देख लो, फिर है नेक्स्ट सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम बताया था अभी मैंने, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, पहला है बाहर क्या खड़ा है, का बाहर क्या खड़ा है, ये शब्द सही है क्या? बाहर क्या खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है, ऐसे तोड़ के नहीं, बाहर क्या खड़ा है, कोई वाहन खड़ा है कि कोई भूत खड़ा है कि कोई क्या खड़ा है, ऐसे बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन, बाहर कौन खड़ा है, दूसरा देखिए,
बहुत इजी है, तू खड़े हो जाओ, तू खड़े हो जाओ, तू खड़े हो जाओ, क्या आएगा, तुम खड़े हो जाओ। ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं, ये तुम खड़े हो जाओ। मैंने तेरे को बहुत समझाया, मैंने तेरे को, मैंने तेरे को बहुत समझाया, मैंने तेरे को बहुत समझाया। क्या होगा इसका शुद्ध रूप, मैंने तुझे बहुत समझाया, मैंने, क्या हुआ राहुल, राहुल क्या होगा इसका, मैंने तेरे को बहुत समझाया, मैंने तुझे बहुत समझाया। एक और देखिए, तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा, बोलो मत बेटा, तुम तुम्हारा काम करो। शुद्ध रूप क्या होगा इसका, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। नेक्स्ट, हाँ लिख लीजिए, विशेषण संबंधी अशुद्धियां, ये चारों हो गए क्या, कितने हो गए, लिख लो, लिख लो आराम से। इसमें आ जाएगा विशेषण संबंधी अशुद्धियां, विशेषण से संबंधित जो अशुद्धियां हैं वो क्या होती है, विशेषण संबंधी अशुद्धियां, विशेषण, विशेषण से कहते हैं तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो विशेषण संबंधी अशुद्धियां, पहला कितना संधि, बड़ा चालाक है, संधि बड़ा चालाक है, तो संधि बड़ा नहीं आएगा, संधि बहुत चालाक है, संधि बहुत चालाक है, संधि बहुत चालाक है। दूसरा है इतने मोटे मोटे पुस्तक, पुस्तकें कौन पढ़ेगा, इतने इतने मोटे मोटे पुस्तक कौन पढ़ेगा,
क्या बात है राहुल? इतने मोटे मोटे पुस्तक कौन पढ़ेगा? तो इतने की जगह क्या जाएगा? इतनी इतनी मोटी मोटी पुस्तकें कौन पढ़ेगा? इतनी मोटी मोटी पुस्तकें कौन पढ़ेगा? मुझे भारी दुख हुआ था। नेक्स्ट है, मुझे भारी दुख मुझे भारी दुख हुआ था। इसका क्या होगा? मुझे भारी की जगह क्या आएगा? मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे बहुत दुख हुआ था। नेक्स्ट, उसका बाल काला है। उसका बाल काला है, क्या हो जाएगा शत्रु? किसका? हाँ, उसके बाल काले हैं। उसके बाल काले हैं। उसके बाल काले हैं। फिर नेक्स्ट, क्रिया संबंधी अशुद्धि। क्रिया संबंधी अशुद्धियां ये कर लिया क्या? उसको क्रिया संबंधी अशुद्धियां। क्रिया संबंधी अशुद्धियां। क्रिया पर काम लेते हो उसकी क्या अशुद्धियां हो जाती है? पहला है, मैंने गुरु जी का दर्शन किया। क्या हुआ इसका शुद्ध रूप? मैंने गुरु जी के दर्शन किए। दूसरा, मैंने
यह है काम किसने, यह काम किसने करा है, करा है। क्या होगा इसका, यह काम किसने करा है। हाँ, यह काम किसने किया है, किया है। नेक्स्ट, छोटा सा, सीता ने रामा को पुस्तक दिया। क्या होगा ऐसा शब्द, पुस्तक दी। सीता ने रामा को पुस्तक दी। अब ये बोले तो सीता ने कथा सुनाया, तो इसका क्या हो जाएगा, सीता ने कथा सुनाई। लिख लीजिए आप लोग, सीता ने कथा सुनाया, तो इसका हो जाएगा सीता ने कथा सुनाई। चौथा उदाहरण हो जाएगा इसका, सीता ने कथा सुनाया, ये है अशुद्ध रूप। और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा सीता ने कथा सुनाई। ये क्रिया संबंधी अपनी अशुद्धियां हैं जो अक्सर आप एग्जाम में गलत कराते हो। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण तथा अव्यय संबंधी अशुद्धियां। क्रिया विशेषण लिख लीजिए, रख कर दूंगे इधर वाले। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण संबंधी, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां में देखिए, पहला वाक्य कमल छत पर से गिर पड़ा। कमल छत पर से गिर पड़ा, शुद्ध रूप क्या होगा इसका, कमल छत से गिर पड़ा। मेरे भाई साहब कल को आएंगे, मेरे भाई साहब, मेरे भाई साहब कल को आएंगे। इसका शुद्ध रूप क्या होगा,
हाँ मेरे भाई साहब कल आएंगे, इसमें भी क्या तो नेक्स्ट वो तो लिख दिया मेरे भाई साहब, मेरे भाई साहब कल तो कल आएंगे। एग्जाम्पल दीजिए, यदि वर्षा होगी तब हमें पानी मिलेगा, अशुद्ध रूप है यदि वर्षा होगी।